आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वाला गार्लैंड। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय चैनल अनीता वर्किंग व्लॉग। और मेरे चैनल में सबको स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ी अच्छी हूँ, कल अच्छी नहीं थी, आज भी थोड़ी थोड़ी सी सिर में दर्द हो रहा है, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सुबह का जो ड्यूटी था मेरा ख़त्म हो गया, अभी आप लोगों के साथ अभी थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, इसलिए तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज के जो ब्लॉग है, थोड़ी सी ब्लॉग है, घर में ही है, ज़्यादा ब्लॉग तो बाहर में ही होता है, तो मैं घर का दिखाती हूँ। मैं आज स्कूल से क्या लेके आई, और एक माला बनाना है, आधा हुआ है, उसको मैं शेयर करूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए ये वाला देखिए क्या है, आप लोगों को बैक कैमरा में दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोग पहचानते हैं कि नहीं, खाते हैं कि नहीं, मैं स्कूल से लेके आई हूँ और दिखा रही हूँ। देखिए इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे इधर समलपुरी में बहुल बहुल फूल बोलते हैं। तो ये हमारे स्कूल है, उससे उसके पास में मिलता है, तो मैं ख़रीद के लेके आई हूँ। और इसका प्राइस है एक पाव में 40 रुपीज़, तो बहुत महंगा है, बहुत अच्छा लगता है इसका। अगर मैं होगा तो मैं इसका रेसिपी भी आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग को चाहे तो मार्केट में ख़रीद के खा सकते हैं भी। तो इसको रहते हैं और दिखाती हूँ आज का क्या क्या काम है, दिखा रही हूँ आके कितना सारा काम करना पड़ता है। देखिए ये वाला माला मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, और उसके बाद आज दो ब्लॉग बनाना है फ्रेंड्स। ये वाला है, इसको जरी, हम लोग तो जरी बोलते हैं, तो ऐसे कटिंग करना है। मैं पहले वाला वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी, शेयर की थी इसको कैसे कटिंग करना है। तो ये वाला कुछ नहीं है, आप जितना चाहें इतना ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे बड़ा सा मोड़ेंगे, जितना इंच का चाहेंगे इतना मोड़ेंगे, और कटिंग करना है और राउंड कर देना है। और फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ, रुकिए, देखिए ऐसा कटिंग करना है। आप लोग जितना लंबाई है या जितना चौड़ाई में रखना चाहते हैं, लंबाई तो देखिए ऐसे मोड़ाई करना है, इसका पूरा ऐसे कटिंग कर देते हैं। देखिए ऐसे हो गया, ऐसे पीस पीस हो गया, इसको आप लोग ऐसे मोड़ाई करेंगे। ऐसे कर लेंगे, थोड़ा इसको ऐसे खींचना है, उसके बाद ये देखो साइड में ऐसे गोलाई करके ऐसे काट लेंगे, ऐसे देखिए हो गया। उसके बाद इधर भी ऐसे गोलाई करके काटेंगे, देखिए गोलाई हो गया। उसके बाद इसको खोल लेंगे, देखिए ऐसे कैसे दिख रहा है। उसके बाद ये जो फोल्डिंग हुआ था उसके साइज साइज में हम लोग इसको काट लेंगे, इजी प्रोसेस, इसको जल्दी जल्दी होगा। ऐसे ये थोड़ी सी साइड में ये वाला भी ऐड हो जाएगा, छोटा सा जो रह गया है इसको भी ऐड कर लेंगे। तो ऐसे वाला, ये वाला जितना मैं, देखिए जितना मैं ये वाला बनाई थी ऐसे ही बनाई हूँ, ऐसे वाला बनाई हूँ। तो ऐसे पहले हम लोग ऐसे काट लेंगे, ऐसे सब काट लेंगे, ये हो गया। और मैं ये वाला ऐड की हूँ, देखिए ये वाला पाइप बोलते हैं, वाइट पाइप, इसका कलर कलर वाला भी पाइप होता है, तो इसको यूज़ करके सिंपल वाला पूरा बनाऊँगी। तो देखिए देखिए ये वाला रीना बना दी है, ये पूरा सिंपल है, आप लोग को बता रही हूँ, खाली आप लोग देख के भी सीख सकते हैं। देखिए पहले जो दूसरे वाला माला में, दूसरे वाला गार्लैंड में जो मोती देते थे और बहुत सारा उसमें लगाते थे, रिबन विबन लगाते थे, इसमें कुछ नहीं लगाना है, ओनली देखिए ये खाली पाइप लगाना है। इतना बड़ा पाइप होता है, ये देखिए लंबा सा पाइप होता है, इसको इतना लंबा लंबा करने से ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा दूर दूर हो जाएगा, तो इसको ऐसे
कट कर लेंगे, दो कट कर लेंगे और इसका हो जाएगा। देखिए इसमें पहला देना है, पहला ये पाइप को ऐड करना है, उसके बाद ये वाला। इसको कैसे करना है देखिए, पहले जैसे बनाए थे पहले वाला मेरा वीडियो देख लीजिए। देखिए मैं इसका लिंक भी दे दूंगी, ऐसे करना है, ऐसे 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 मुड़ाई करना है, ऐसे खाली ऐसे करना है, ऐसे करना है और सियाते जाना है। इसमें ऐसे हो जाएगा ये वाला, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद फिर जितना आपका जितना मर्ज़ी आप लोग यहाँ पर गुज सकते हैं, ज़्यादा देंगे या 6-7 ये वाला पीसेस देंगे या 10 पीसेस देंगे, आप लोग के मर्ज़ी से ये वाला कर सकते हैं। ये वाला देंगे, फिर एक पाइप देंगे, फिर देंगे जो डिजाइन आपकी मर्ज़ी से, जो भी डिजाइन कर सकते हैं। देखिए ये वाला हम लोग डिजाइन किए हैं, देखिए ये वाला पिंक, ये वाला पिंक दो दिए हैं और ग्रीन दिए हैं, फिर पिंक दिए हैं, फिर ग्रीन दिए हैं। देखिए ये वाला बना चुके हैं और लास्ट में देखिए कैसे दिख रहा है। देखिए ये वाला लास्ट, देखिए ये गले में जो रहता है वो वाला मोती दिए हैं और कैसे दिख रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और देखिए एंडिंग करेंगे, एंडिंग में कुछ नहीं, एंडिंग जैसे करते हैं वैसे ही करना है। देखिए ये दोनों को एंड करने के टाइम अच्छी तरह से इसको गांठ करना है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। गार्लैंड ढीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो ये वाला अच्छी तरह से गांठ करना है। इसको और एक को इसको काट लेते हैं, जाएगा एक ही जो सूता रहेगा, एक ही सूता में ही उधर काटना है। देखिए ये वाला ग्रीन ग्रीन दिए हैं तो इसमें पिंक देंगे पहले, उसके बाद ग्रीन ग्रीन वाला देंगे, पिंक देते हैं। ये वाला, उसके बाद ग्रीन देंगे, उसके बाद फिर पिंक देंगे और एंड करेंगे। देखिए ये वाला दिए, उसके बाद ये वाला पाइप देंगे, इसके बाद ग्रीन दूंगी अभी। देखिए ये वाला हो गया, एंड करते हैं, एक चमकीला दे देती हूँ। और एक देखिए बड़ा सा मोती दे रही हूँ। और थोड़ी सी मोती उसमें ऐड कर, देखिए फ्रेंड्स ये वाला मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ। ये बहुत सिंपल है फिर भी इसको यूनिक बना रही हूँ, कैसे अच्छे दिखेगा। इसको ऐसे करना है, इसको ऐड करते हैं, इसको टाइट करके इसमें घुसाना है, ये नीचे से फिर ऊपर। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये वाला इसमें घुसाना है, बाद में टाइट करेंगे इसको ढीला करके, नीचे से ऊपर घुसाना है। देखिए ऐसे होगा, ऐसे नीचे झूलेगा, ऐसे इसको टाइट करके बांध लेते हैं।
देखिए रेडी हो गया, ये वाला झुलपू रेडी हो गया नीचे का। इसके बाद गार्लैंड भी रेडी हो गया। दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसा दिख रहा है, देखिए देखिए कैसा दिख रहा है। और फ्रेंड्स देखिए रेडी हो गया ये वाला सिंपल गार्लैंड। किसी भी प्रोग्राम में इसको आप लोग पहना सकते हैं, शादी में या एंगेजमेंट में, और किसी भी प्रोग्राम में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वाला गार्लैंड कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जो जो मेरे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और जो मैं पहले मेरे वीडियो पहले आप लोग के पास पहुंचने पाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, गुड नाइट।